हेलो गाइस, मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बात कर रहे हैं एनडीए 2022 के एग्जाम के बारे में, जो कि कल यानी कि 4 सितंबर को आपका कंडक्ट होने वाला है। नो डाउट आप सभी ने पूरी तैयारी कर ली होगी, अच्छे से आपने पढ़ा लिखा होगा और आप लोग अपने सेंटर के लिए निकल भी गए होंगे, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी निकलने वाले होंगे। तो इस वीडियो को 2 या 3 मिनट का टाइम निकालकर एक बार पूरा अच्छे से देख लें कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। आपकी फाइनल तैयारी हो चुकी है, आप निकलने से पहले एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखने के बाद चेक जरूर कर लें कि आपने वो सारा सामान रख लिया है जो कि यूपीएससी की तरफ से आप लोगों से मंगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है और कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। तो घर से निकलने से पहले पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अगर हेल्पफुल साबित होता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दें, जिनका भी एग्जाम होने वाला है नो डाउट उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित जरूर होगा। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कल आपको एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आपको इंपोर्टेंट लेकर जानी है। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम न्यूज 18 हिंदी के यहाँ के ऑफिशियल ब्लॉग चैनल पर हैं, जहाँ पे लिखा है कि यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2022 एनडीए परीक्षा 4 सितंबर को, जान लें एडमिट कार्ड के नियम। मतलब कि कल आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेकर जाने हैं, ये अब सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिखा है कि भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना में आपकी 400 वैकेंसी के लिए होने वाली यूपीएससी एनडीए परीक्षा 4 सितंबर को होगी। परीक्षा को लेकर यूपीएससी ने डिटेल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एडमिट कार्ड को लेकर भी गाइडलाइन शामिल किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, साथ ही आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपको आखिरी टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो लिखा है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन बोर्ड में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे लिखा है कि इसके जरिए आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होंगे, इसके लिए महिला पुरुष दोनों ने यहाँ पर आवेदन किया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है, नीचे के साइड देखेंगे, लिखा है कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि एडमिट कार्ड पर जो आपकी फोटो हो ना तो धुंधली हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसी धुंधली फोटो लेकर नहीं जानी, क्लियर फोटो जिसमें कि आपका फेस क्लियरली दिखाई दे रहा हो, ऐसी चीज़ें आपको लेकर जानी है। लेकिन अगर फिर भी आपकी फ़ोटो गलती से धुंधली हो जाती है या फिर उस पर स्याही वगैरह लग जाती है, तो उसमें लिखा है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों को अपने साथ 2 पासपोर्ट फोटो साथ में लेकर जानी है, ताकि अगर ये खराब भी हो जाती तब भी आपको वहाँ पर एक से आपका काम चल जाए। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाने हैं। तो परीक्षा देने जा रहे हैं उम्मीदवारों को अपने साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, इसके जरिए ही अटेंडेंट लिस्ट में और ओएमआर सीट में आप लोग आपको सीट भरने को यहाँ पर मिलेगी। तो सारी ये चीज़ें आपने देखनी। इसके अलावा नीचे लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे। लिखा है कि एनडीए परीक्षा केंद्र परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले बंद हो जाएगा, पहले शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे से है, ऐसे में उम्मीदवारों को किसी भी हालत में 9:50 से पहले पहुंच जाना होगा। मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी है। मैं इसमें लिखा है 10 मिनट, मैं आपसे कहूँगा कि लगभग लगभग आपको 30 से 40 मिनट पहले अपने एग्जाम सेंटर पर अच्छे से पहुँच जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने लायक थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें और आपकी आने वाली कल की परीक्षा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और हाँ, कल आपको इसी चैनल पर आपके एग्जाम का एग्जाम रिव्यू जरूर मिलेगा। तो कल मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दूंगा, तो आप जो भी क्वेश्चन आपको याद रहेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो कल रिव्यू के साथ मिलते हैं, आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। तो आपको आपके आने वाली अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में आप सभी से विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।